गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को पता है कि 14 मार्च 2021 से लेबर लॉ में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया है LRI, लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव। ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। कुछ अभी तक एक्टिव हुए हैं, कुछ अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो क्लियर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वीज़ा अपने आप हम इशू कर सकते हैं, वो कैसे इशू करें। उन्होंने दो प्लेटफॉर्म का नाम लिया है, दो मोबाइल एप्लीकेशन का। पहला है अप्सर, दूसरा है QIWA। ओके, मैंने दोनों को अच्छे से चेक करा है, अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन तो मिला नहीं है मुझे। शायद आने वाले दिनों में ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये जो नया लेबर लॉ में जो चेंजेस हुए हैं लेबर लॉ में, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन से मिनिमम कम से कम चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होने चाहिए, और आगे मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा इस लेबर लॉ के ऊपर में ही। कैसे हम एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम अपना वायलेशन रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपका पासपोर्ट अगर आपके कंपनी या कफिल नहीं दे रहा है तो उसके क्या प्रोसीजर हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है, बहुत सारे ऐसे लेबर लॉ है, आर्टिकल 80 क्या होता है, बहुत सारे हैं। एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मिनिमम क्या क्या क्लोजेस हैं जो होने चाहिए आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप अपने कंपनी और कफिल के साथ में साइन करते हैं। पहली बात, एम्प्लॉयमेंट का डेट होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉयमेंट कौन से डेट से शुरू हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपका नाम डेफिनेटली होना ही चाहिए, करेक्ट होना चाहिए जैसा आपके पासपोर्ट में है, और आपका नेशनलिटी लिखा होना चाहिए। यह आपको छोटी सी बातें लग रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप जाएंगे क्लेम में। क्लेम मतलब जब आप डिस्प्यूट में जाएंगे। तो आपका दूसरा पॉइंट क्या था, नाम होने चाहिए वर्कर के और उनका नेशनलिटी लिखा होना चाहिए। तीसरा आपका ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा चाहिए, इंपॉर्टेंट। जितना मैं अभी पॉइंट बताऊँगा सब इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, कम पॉइंट है लेकिन सब इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन लिखा होना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है। मिनिमम यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो क्लियरली लिखा होना चाहिए। और चौथा बात, आपका जो एम्प्लॉयर है कंपनी का नाम, ओके, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी या फिर कफिल का नाम और उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब पांचवा बात, आपका वेजेस मतलब आपको जितना तनख्वाह मिलेगा, जितना सैलरी मिलेगा, वो लिखा होना चाहिए जो एग्रीड हुआ है। कई बार ये होता है कि आपके उसमें मान लीजिए 10 रियाल लिखा हुआ है, लेकिन बोला कफिल कि मैं आपको 15 रियाल दूंगा। चलो ऐसा वो इस मुश्किल कम मतलब उस सिचुएशन को कम से कम एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो चीज़ लिखा हुआ है वो आपका गारंटी है कि आपको मिलेगा ही। तो पाँचवा पॉइंट मैंने आपको बताया, वेजेस आपका तनख्वाह। यहाँ पे जो वेजेस है वो तीन पार्ट में बांटा जाता है। पहले आपका बेसिक, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, फिर हाउसिंग। ओके, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो 10% होता है, और हाउसिंग 25%, और सैलरी जो बेसिक है वो 65%। तो ये अगर ब्रेकडाउन लिखा हुआ है तो और भी अच्छा है। 6 नंबर है एड्रेस। ओके, एड्रेस आप कहाँ काम करेंगे, कहाँ आपका वर्क लोकेशन होगा। कई बार आप अगर कोई लेबर कंपनी में हैं, मैन पावर सप्लाई में, तो वहाँ पे वो ये एड्रेस नहीं लिखते हैं, लेकिन आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये एड्रेस लिखा रहेगा आपका वर्क लोकेशन। ठीक है, 7वां नंबर है आइडेंटिफिकेशन। आपका कॉन्ट्रैक्ट है बोल के आपको कैसे पता चलेगा, आपका उसमें या तो इकामा नंबर लिखा रहेगा या तो पासपोर्ट नंबर लिखा रहेगा, तो आइडेंटिफिकेशन भी लिखना बहुत ज़रूरी है उसमें। ठीक है, 8वां जो है आपका टाइप एंड लोकेशन ऑफ वर्क, मतलब आप किस टाइप ऑफ काम करते हैं और आपका काम का लोकेशन क्या रहेगा, रिमोट कहीं दूसरे जगह में जाके काम करेंगे या ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, ये वाला लिखना जरूरी है। इसमें और एक पॉइंट है जो इंक्लूडेड नहीं है, वो है 9th नंबर जो है प्रोविजन पीरियड। क्योंकि जब हम नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, नए जॉब ज्वाइन करते हैं, तो वो एज ए परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि हम कैसा काम करते हैं नहीं करते हैं, उसके लिए वो कुछ ड्यूरेशन रखते हैं,
3 महीना 6 महीना कि 6 महीना तक आपको देखा जाएगा। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ दूसरे जो भी कार्रवाई है वो किए जाएंगे। तो ये प्रोविज़न पीरियड भी देख लीजिएगा कि कितना है, कम से कम हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। अगर से ये बेसिक लिखा हुआ नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कीजिएगा। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये QIWA मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उनके वेबसाइट में ये डिटेल लिखा हुआ है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इसलिए भी है कि जब आप डिस्प्यूट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट माना जाएगा। छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत लंबा होगा, लेकिन तभी भी अगर आपके साथ आपको कोई इससे रिलेटेड, ये टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने डिटेल से पढ़ा है इसको। आने वाले वीडियो में क्या क्या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो तो बता ही दिया हूँ, और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।